दिवाली के बाद और शादियों के मौसम में राजस्थान में कोरोना तेजी से पैर पसारने लगा है। 111 दिन बाद प्रदेश में कोरोना से पहली मौत हुई और एक दिन में रिकॉर्ड 18 कोरोना पॉजिटिव आए, जिसमें से अकेले जयपुर में 12 मरीज मिले। दिवाली के पहले राजस्थान में 33 में से 30 जिले कोरोना फ्री हो गए थे, लेकिन ये अब तक 12 जिलों में फैल चुका है। पहले 3 जिलों में ही इक्के दुक्के रोगी मिल जाया करते थे। दिवाली के पहले पूरे प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या केवल 20 थी, मगर बुधवार को ये आंकड़ा 100 पार कर चुका है। गुरुवार को जयपुर एजेंट रूरल अस्पताल में कोरोना से 28 साल के बच्चे की मौत हो गई। कोरोना के गिरते मामलों को देखते हुए सरकार ने स्कूल खोलने के फैसले कर लिए, मगर पिछले 3 दिनों में 3 स्कूलों में बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिसके बाद स्कूलों को बंद करना पड़ा था। गुरुवार को 2 और अब स्कूल में 2 और बच्चे पॉजिटिव मिले। 15 अक्टूबर को स्कूल खुलने के बाद से अब तक 5 बच्चे एक सप्ताह में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ी संख्या में अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया और पिछले 4-5 दिनों से रोजाना 10 से ज्यादा कोरोना के मरीज राजस्थान में मिलने शुरू हो गए। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अलवर, अजमेर, कोटा, बाड़मेर, बीकानेर, भीलवाड़ा, नागौर, पाली, बारा और उदयपुर में कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं। इधर वैक्सीन में भी राजस्थान लगातार पिछड़ता जा रहा है। पिछले 20 दिनों में राजस्थान में वैक्सीन का औसत 4,000 से 2,00,000 डोज प्रतिदिन है, जबकि राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री का दावा था कि हम 15,00,000 टीके लगाने की क्षमता रखते हैं। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।